मीडिया और सोशल मीडिया पर इस समय गदर 2 की ही चर्चाएं की जा रही हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में गदर 2 को रिलीज किया जा चुका है और पहले दिन करीब 40 करोड़ रुपए की ओपनिंग करने वाली गदर 2 ने दूसरे दिन भी धमाकेदार कमाई की है। साफ शब्दों में कहें तो गदर की सुनामी इन दिनों बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। 22 सालों के लंबे अंतराल के बाद फिल्म के दूसरे भाग को लोग जिस हिसाब से प्यार दे रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब ये फिल्म भी इतिहास की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक बन जाएगी जिस फिल्म का एक अलग ही रुतबा होगा। गदर एक प्रेम कथा की इमोशन के साथ फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने फिल्म के दूसरे भाग को जिस हिसाब से बड़े पर्दे पर पिरोने की कोशिश की है वो वाकई काबिले तारीफ है। यही बड़ी वजह है कि फिल्म को लोग जमकर प्यार भी दे रहे हैं। समय न गंवाते हुए फिल्म के अगर कलेक्शन की तरफ डालेंगे तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म ने पहले दिन यानी ओपनिंग डे को तकरीबन 40 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन किया था। हालांकि दूसरे दिन यानी शनिवार को इस फिल्म के कलेक्शन में इजाफा देखने को मिला और दूसरे दिन इस फिल्म ने करीब 43 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन किया और इस तरह दो दिन के भीतर ही इस फिल्म ने तकरीबन 84 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन कर लिया। अनुमान के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह फिल्म आने वाले समय में यानी वीकेंड के अंदर ही 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर ले जाएगी और इस तरह गदर 2 2023 सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में से भी शुमार हो जाएगी और इसके पीछे की वजह भी है। दरअसल गदर 2 को 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जा चुका है। ऐसे में इस फिल्म को एक लंबा वीकेंड मिलेगा। आज यानी रविवार को भी इस फिल्म के कलेक्शन में इजाफा देखने को मिल सकता है और 15 अगस्त के खास मौके पर भी दर्शकों की भारी ऑक्युपेंसी फिल्म गदर 2 के प्रति हमें देखने को मिल सकती है। ऐसे में एक लंबे वीकेंड की वजह से इस फिल्म के कलेक्शन में बहुत ज्यादा इजाफा होगा और 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी यह फिल्म वीकेंड के अंदर ही पूरा कर ले जाएगी। अगर ऐसा होता है तो यह बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर देगी। गदर 2 की बात करें तो एक बार फिर से अनिल शर्मा ने जिस हिसाब से बड़े पर्दे पर फिल्म के दूसरे भाग को पेश करने की कोशिश की है वो वाकई काबिले तारीफ है। ऐसे में तारा और सकीना की लव स्टोरी को भी लोगों ने जमकर पसंद किया, वहीं दूसरी ओर जीत के किरदार को भी लोग जमकर सराह रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि यह फिल्म सिनेमाघरों में इन दिनों सुनामी की तरह जबरदस्त कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है। बैक टू बैक कई सारी बड़ी फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद गदर 2 के जरिए अभिनेता सनी देओल ने भी अपनी जबरदस्त वापसी कर ली है। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि पिछले 10 सालों से लगातार अभिनेता सनी देओल ने 11 से 12 फिल्में की, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उनकी सभी की सभी फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप साबित हुई और इस तरह अब 22 सालों के लंबे अंतराल के बाद उन्होंने अपनी ही फिल्म के दूसरे भाग में जिस हिसाब से तारा सिंह के रौद्र रूप को दोबारा से पेश किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। सनी देओल के किरदार की लोग जमकर तारीफें कर रहे हैं और सनी देओल की एंट्री पर सिनेमाघरों में दर्शक सीटों से उनका स्वागत भी कर रहे हैं।